नगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ महाराजा दशरथ महल की 500 करोड़ की संपत्ति पर भूमाफियाओं ने पहले तो फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लिया, फिर उसे बेच भी दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य विंदु गद्याचार ने FIR दर्ज कराया है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर नकेल कसने का दावा कर रही हो, लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमाफिया आज भी सक्रिय है, यहाँ तक कि लोग मंदिर और ट्रस्ट की जमीन भी फर्जीवाड़ा कर बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ श्री महावीर महाराज श्री विराजमान छाछी कुआं धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की करीब 500 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं ने पहले तो फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लिया और फिर उसे बेच भी दिया, जबकि इस जमीन का मालिकाना हक चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी बड़ा आसान रामकोट अयोध्या जी का है। जहां बड़ा आसान के गद्दी नसीन को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले को लेकर लखनऊ में FIR भी कराई गई है। वहीं दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य विंदु गद्दाचार्य ने बताया कि छाछी कुआं श्री हनुमान जी का मंदिर बड़ा ही ऐतिहासिक है, जहां पर तुलसीदास जी भी रुक कर साधना किए थे और वहाँ के लोगों में भी उस मंदिर के प्रति वही आस्था है, जिसको लेकर कई भक्तों ने भगवान के लिए अपनी संपत्ति दान दी थी, जिसके कारण बड़ी संपत्ति व भूमि उस स्थान के पास ही, जिसकी सुरक्षा को लेकर वहाँ के संत रघुदास जी ने संपत्ति की सुरक्षा बड़ा स्थान दशरथ महल के नाम देश आजाद के पहले ही एक रजिस्टर्ड वसीयत लिखा दिया था। वहीं बताया कि वर्तमान समय में अपने आप को उस स्थान का महंत बता रहे अंजलि दास ने अपने भाई और परिवार से मिलकर बेच दिया, जिसको लेकर जेल भी जा चुके हैं। उनके भाई प्रदीप तिवारी ने अपने नाम करके बेच दिया है, जिसको लेकर FIR भी कराया गया है। प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे आगे किसी भी प्रकार के मठ मंदिरों की संपत्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। हाँ जी, लखनऊ में जो लोगों ने मंदिर की संपत्तियां बेच दी है, क्या है ये महंत जो कथा कथित महंत है अंजनी दास जी, इन्होंने अपने भाई अपने सगे मामाओं और अपने परिवार को मिलाकर कूटरचित ढंग से मंदिर की संपत्तियों को अपने नाम करा लिया और मंदिर की संपत्तियों को बेधर्मियों के हाथों से बेच डाला और इसमें काफी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री मायावती के सरकार में भूमाफिया का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई तब से अभी तक नहीं हुई है, काफी मुकदमे पंजीकृत हैं और ये एक ऐतिहासिक छाछी कुआं हनुमान मंदिर है जो लखनऊ का प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है। हनुमान जी महाराज वहाँ सिद्ध हैं और जो इच्छा लोग करते हैं हनुमान जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हम तो शासन से माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि मंदिर मठ की रक्षा के लिए कोई कानून बनाएं और जो बेधर्मियों द्वारा मंदिर को नष्ट किया जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे मंदिर मठ बच सके और साधु संतों की रक्षा हो सके। जय सियाराम। रजी, किस तरीके से अपराध किया है उन लोगों ने और किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? इन लोगों ने मंदिर की जमीन को व्यक्तिगत जमीन बनाने का एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया और दोनों लोगों ने अंजनी दास और सर्वजीत दास ने दोनों लोगों ने आपस में सुलहनामा के आधार पर जमीन को अपने नाम करा लिया, जो सरासर गलत है। माननीय कमिश्नर अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ ने उन आदेशों को कैंसिल कर दिया है और ये संपत्ति स्वतः हनुमान जी महाराज छाछी कुआं मंदिर के नाम खतौनी में दर्ज हो गई है। इनमें फ्रॉड करने वाले अंजनी दास, प्रदीप कुमार तिवारी, शिव शरण उपाध्याय उर्फ मामा जो अपने को सेंट्रल बार का अध्यक्ष बताता है और उसका पुत्र पार्थ उपाध्याय, दोस्त मोहम्मद, सुफियान खान, अकील खान आदि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े भूमाफिया, फहीम खान जो अपने को मुख्तार अंसारी का चेला बताता है आदि भूमाफियों ने मंदिर की जमीन को कूटरचित ढंग से अपने नाम कराकर बेच डाला है और इनके विरुद्ध मैं माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और माननीय DM साहब से आग्रह करता हूं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए और मंदिर की संपत्ति को स्वतः भूमाफियों से मुक्त करके हनुमान जी के
ट्रस्ट को सौंपा जाए जिससे मंदिर की पुनः भव्यता वापस आ सके। जय सियाराम। कितनी की संपत्ति रही होगी? लमसम 400-500 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों ने नष्ट किया है जिससे मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। और वो सिद्ध स्थान है हनुमान जी का, मैं तो वकालत करते 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 हनुमान जी की संपत्ति को काफी बार दो बार वापस कराया और बेधर्मियों से वापस कराने के बाद 30/5/1947 में महंत रघुनाथ दास जी एक पंजीकृत वसीयत बड़ा स्थान चक्रती महाराज दशरथ जी के राजमहल को किया था जिससे मंदिर की गरिमा को कभी कोई बेधर्मियों के द्वारा नष्ट किया जाए तो बचाया जा सके। उस वसीयत में स्पष्ट उल्लेख आया है कि कभी कोई महंत व गद्दी नशीन या वगैरह कभी कोई गड़बड़ी करे तो इस परिस्थिति में मोहल्ले से एक व्यक्ति आकर बड़ा स्थान के गद्दी नशीन को इतला करे। गद्दी नशीन को अधिकार रहेगा कि वो वहां जाकर पूरी व्यवस्था की छानबीन करके महंत को हटा दे और उस मंदिर की पुनः भव्यता प्रदान करें। ये उस वसीयत में उल्लेख आया है, इसीलिए महाराज जी ने उन लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई और निष्कासन का पत्र भी अंजनी दास को भेज दिया है। उन लोगों ने अपने परिवार को वहां बिल्कुल मंदिर को घर बना दिया है, परिवार को रखे हुए हैं और व्यभिचार कर रहे हैं जिससे मंदिर और के भक्तों में जनमानस में बड़ा आक्रोश है। और आक्रोश होना भी चाहिए कि मंदिर हनुमान जी के स्थान को इन्होंने पारिवारिक बना दिया है। मैं तो शासन से और माननीय ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ से आग्रह करता हूं, करवद्र प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी के स्थान को बचा दें, राम जी के। हाँ, छाछी कुआं श्री हनुमान जी का मंदिर एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। इतना सिद्ध पीठ है कि वहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज भी कुछ दिन रह करके साधना किए थे। वहाँ के लोगों में बड़ा ही उस मंदिर के प्रति आस्था है। उनके आस्था को देखते हुए ही वहाँ के बहुत से लोगों ने मिलकर के छाछी कुआं हनुमान जी को बहुत सी संपत्तियाँ अर्पित किया था, बहुत से भूमि दान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप छाछी कुआं हनुमान जी महाराज के पास बहुत बड़ी संपत्ति वहाँ पर जमीन थी। और इन संपत्तियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ के सिद्ध संत श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने यह जान करके कि बड़ा स्थान संरक्षक के रूप में रहेगा तो इस स्थान की संपत्ति को कोई भविष्य में नुकसान नहीं कर पाएगा, उन्होंने देश स्वतंत्र होने से पहले ही एक रजिस्टर्ड वसीयत बड़ा स्थान बाबा राम प्रसाद जी के स्थान के नाम से लिख दिया था। और वर्तमान समय में वहाँ के जो अपने को महंत कहते हैं अंजनी दास जी, उन्होंने वहाँ की संपत्तियों को अपने भाई से परिवार से मिल करके और सबको बेच डाला और बेच करके सबको अपने घर ले गए। मंदिर में सेवा कोई किए नहीं, इसलिए उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, वे जेल भी गए थे। और शेष जो संपत्तियाँ थी उनके भाई प्रदीप तिवारी ने साजिश करके सब अपने नाम करा लिया, हनुमान जी की संपत्ति को बेच दिया। इसलिए हम उस वसीयत के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना दिए थे और छानबीन के बाद वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने यह पाया इसमें इन लोगों ने साजिश करके कुट रचना कर करके और वहाँ की संपत्ति को बेच दिया है, हनुमान जी के संपत्ति को बहुत बड़ा ठेस पहुँचाया है। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है उन लोगों के खिलाफ और हम पुलिस अधिकारियों से मांग करते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में मठ मंदिरों की संपत्ति को इस प्रकार से कोई नुकसान करने की चेष्टा न करें। मंदिर की संपत्ति भगवान के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, संतों के लिए होता है, न कि परिवार के लिए होता है। उसने परिवार को लेकर के वह मंदिर में रख दिए हैं जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, मंदिर की पूजा ठीक से नहीं हो पाती है, वहाँ के भक्तों में बड़ी ग्लानि है। उन लोगों ने हमको पत्र लिखा कि महाराज जी आप इसकी देखरेख करें। उन लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए मैंने यह कार्रवाई कराया है।